का बच्चों को कलेक्ट करने के लिए। नहीं तुमने बिजनेस लंच पर जाना जरूर चले जाओ, भाई शोफर को भेज दो ना बच्चों के स्कूल। नहीं नहीं मैं देर से आऊंगी ना। नहीं देखो ना, सबसे पहले तो मेरी मीटिंग है सोशल वेलफेयर वालों के साथ, फिर वहां पर उनके साथ लंच भी है, फिर मैंने कुम्हारपुरी जाना है, वहां पर एक खवातीन की मीटिंग है, वहां पर मैंने तकरीर करनी जिसका मौजू है घर की लगन और बच्चों की नगहदाश्त, और उसके बाद मैंने एयरपोर्ट जाना है, वो लीड्स यूनिवर्सिटी की लेक्चरर आ रही ना पाकिस्तान, उनको रिसीव करने के लिए, और फिर उनके साथ रिसेप्शन पर जाना है। अब पता नहीं कब जान छुटेगी। नहीं नहीं तुम मेरा इंतजार बिल्कुल मत करना। हाँ हाँ गजाला जी, मिस वो हमने दो आदमी को टाइम दिया था ना इंटरव्यू के लिए, वो लोग आए कि नहीं? अभी तक तो नहीं आए वो लोग। मिसेस शहजादी मेरा ख्याल है कि हमारी अंजुमन में ऑफिस सेक्रेटरी के लिए मत को रखना कुछ अच्छा नहीं लगता, औरतें एतराज करेंगी। नहीं गजाला देखो ना, मर्द औरत के मामले में हमेशा ज्यादा काम कर सकता है, और जब हम मर्द से काम ले सकते हैं तो फिर वो काम हम खुद क्यों करें? जी वो असल में हमने ये अंजुमन औरतों के हकूक के तहफ्फुज के लिए बनाई है, और फिर जाहिर है कि इसमें औरतें अपनी शिकायत लेकर आएंगी, फिर हो सकता है कि वो मर्द को सामने देखकर अपनी शिकायत बयान करने से हिचकिचाएं। नहीं नहीं नहीं, शिकायत पर अमल करना, उनके मसाइल हल करना, ये हमारा काम है, उन्होंने तो सिर्फ शिकायत वसूल करनी है। अब देखो ना, वहां सोशल वेलफेयर में हमारी ग्रांट की एप्लीकेशन भी पड़ी हुई है, उसके लिए बहुत दौड़ धूप चाहिए, बहुत मुश्किल काम है ये। अब हम औरतें बेचारी कब तक जूतियां चटखाती फिरेंगी? इसके लिए अगर हम मर्द को इस्तेमाल कर सकते हैं तो क्यों ना करें? जाहिर है आपने सोच समझ कर ही फैसला किया होगा, मुझे क्या एतराज हो सकता है। बेगम साहिबा, दो आदमी आए हैं इंटरव्यू के लिए। हाँ उन दोनों उम्मीदवारों को बारी बारी अलग अलग अंदर भेज देना। बहुत अच्छा। मैंने तो कहा था कि दोनों उम्मीदवार अलग अलग बारी बारी आए, आप दोनों इकट्ठे क्यों चले आए? हम दोनों एक ही उम्मीदवार हैं। दोनों? हम दोनों एक ही नौकरी के लिए आए। नहीं मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। हम दोनों हमेशा एक ही काम करते हैं। एक ही तनख्वाह पर? हम दोनों आपस में बांट लेते हैं 50-50। अच्छा तो देखिए ना, आपको ये मालूम है कि ये इदारा हमने औरतों के हकूक के तहफ्फुज के लिए बनाया है, और यहाँ पर हमेशा सिर्फ औरतें आएंगी। आप फिक्र ना करें जी, हम सरों पे दुपट्टे रख लेंगे जी, हम मर्द को तो यहाँ घुसने ही नहीं देंगे जी। अगर आप दोनों वादा करते हैं कि आप उन सब औरतों का जो अपने मसाइल लेकर यहाँ पर आएंगी, आप सबका एहतराम करेंगे। हाँ जी, हमारी तो माँ बहन। तो ठीक है, फिर मैं आपको रख सकती हूँ। बिल्कुल आप फिक्र ना करें जी, हम मर जाएंगे लेकिन कभी किसी से कोई वास्ता नहीं रखेंगे। तो ठीक है, मैं फिर आपको रख लेती हूँ यहाँ पर। तनख्वाह तो आपको मालूम है ना? नहीं जी। 500 मिलेंगे रुपए। ठीक है। तो ये कैबिनेट की चाबी है, इस कैबिनेट में हर उस औरत की फाइल है जो मफरूर है। नहीं, जो अपने मसाइल लेकर यहाँ आती है। जी ये लीजिए। गर्म है? ठीक है। तो सोशल वेलफेयर वालों के पास हमारी ग्रांट की एप्लीकेशन भी पड़ी हुई है, तो उसको भी आपने फॉलो करना है। अच्छा, एप्लीकेशन जा चुकी है? जी हाँ जा चुकी। फिर तो जी मैं ग्रांट तो आपको पकड़ के दूंगा। आप फिक्र ही ना करें चाची जी, ये उधार पकड़ने में और ग्रेनेड पकड़ने में तो मास्टर है। गुड, तो मैं अभी जा रही हूँ सोशल वेलफेयर वालों के पास, मेरी उनके साथ मीटिंग है, और फरजाना और गजाला भी मेरे साथ ही जाएंगे। ये मिस फरजाना और मिस गजाला आपके साथ जा रही है ना? जी हाँ। बस फिर तो ग्रेनेड पकी। तो वो तुमने वो तकरीर तो लिख ली थी ना फरजान? हाँ जी, वो लिख कर मैंने अपनी पर्स में रख ली। ओ थैंक यू, आओ चले फिर। ले बे अल्लन, अल्लाह ने हमें नौकरी पे तो लगा ही दिया। हाँ यार, अल्लाह का शुक्र है कि नौकरी हो गई हमारी, और रहने का भी बहुत ही आला बंदोबस्त हो गया। कुछ निकाल ना लेना इसमें से। ऐसा करेंगे कि मैं इस सोफे पे सो जाऊंगा, ठीक है, और तुम इसमें इस पे। नहीं नहीं मैं जागता रहूंगा। अबे सो जाना इसके ऊपर। नहीं नहीं अलन, मैं नहीं, मैं इस पे सोऊंगा। क्यों अलन? औरतें मुझे कच्चा खा जाएंगी। क्यों बक रहा है?
ओए, खाने से याद आया अलन, तुम ये सारा काम तो हो गया तो खाने का क्या होगा? सामने वाले होटल से। अबे आज ही अकाउंट खुलवाता हूँ। तो फिर ऐसा करना, चाय का अकाउंट पहले, चाय मंगवा ले, अकाउंट खुल जाएगा। चलो चाय से खुलवा ले। अलन, अलन कुछ लड़ रहा है। लड़ नहीं रहा, लड़ रही है। ओए, कोई चीज लड़ रही है, पता करो, कोई चीज लड़ रही है। मैं अभी तुझे मजा चिखाती हूँ। इस लड़की की रपट लिखो। ये कहाँ से पकड़ी? कौन है भाई ये लड़की? कौन है भाई? ये मेरी बहू है। पता नहीं जब से हमारे घर में आई है, इसने मेरे बेटे पर क्या जादू फोंका है। अब इसके कहने में रहता, मेरे कहने में तो रहा ही नहीं। ये सामरी जादूगर की बेटी है, तो इसको आप ऐसा करें, कराची भिजा दें। आपको पता है कि वहाँ एक होटल में चौथी मंजिल पर एक गोला निकल रहा है, जिसके नीचे आमल फिर रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, उसको कुछ क्या बकवास कर रहे हो? चुप करो। हाँ जी, आप बताएं। हम दोनों को इकट्ठे देख ही नहीं सकती। क्यों? ये अंधी है, ये टीवी है। बकवास कर रहे हो। परसों की बात है जी, मेरे मियाँ मुझे सिनेमा ले जा रहे हैं। अच्छा। चोरी चोरी अपने मियाँ के साथ प्रोग्राम बना दिया फिल्म का, मैंने भांप लिया। माई तुम बड़ी चलाक चुंझ हो। कि मैं भी साथ चलूंगी और वहां जाके हम दोनों की बीच वाली कुर्सी पर बैठ गई। क्यों भाई, बीच में बैठा कोई नहीं था? क्यों क्यों क्यों? अरे भाई मेरा बेटा है, मेरा जाती बेटा है, तो किराए पर नहीं लाई हूँ उसको। आइए, कौन होती हमें किनारे वाली कुर्सी पर बिठाने वाली है। रास्ते में वापसी पर उन्होंने मेरे लिए गजरा खरीदा, इन्होंने अपनी कलाई में पहन लिया। क्यों ना पहनूं? मेरा बेटा है, उसकी कमाई है, मैं 100 दफा पहनूंगी उसकी कमाई में से। आखिर बीवी का भी शौहर पर कुछ हक होता है। हक होता है भाई, तुम्हारा हक है कि तुम हमारी खिदमत करो। क्यों जी? मैंने अपने बेटे को पाल पोस के जवान किया कि भाई बहू आएगी घर में, मेरी खिदमत करेगी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो 24 घंटे तुम्हारी खिदमत करती रहूंगी। तुम्हें मेरा सुकून अच्छा नहीं लगता ना, तो ठीक है, मैं मायके चली जाऊंगी। बहू पर जुल्म करते हुए? नहीं नहीं, बहू का फर्ज है कि सास की खिदमत करे। और ऐसी सास पर खुदा की मार जो बहू को नौकरानी समझे, और लानत है ऐसी बहू पर जो बेटे को मार से छुड़वा दे, और लानत है ऐसी टमाटो सास पर जो जो बहू को बेटे से छुड़ा दे। अबे लानत है तेरे ऊपर कि तू इस लड़की की साइड ले रहा है। ना तो लानत है तेरे ऊपर कि तू इस बुड्ढी ढटो की साइड ले रहा है। क्या कहा उसको? बुड्ढी ढटो। फिर कहो एक दफा जो क्या कर लेगा। मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। मैं भी तोड़ दूंगा तुम्हारा मुंह। तोड़ूंगा। बुड्ढी ढटो। जय बुड्ढी ढटो। और बोलो। जय बुड्ढी ढटो। बोलो भाई, क्या हो रहा है? ओहो भाई, क्या कर रहे हो तुम? तुम कौन होते हो औरतों के बीच में बोलने वाले? शिराजी का शौक। हाँ, तो जाके अपनी बीवी को भेजिए। आप यहाँ क्यों आ गए? मैंने कहा ना कि मैं उनसे मिलने आया हूँ यहाँ। अच्छा अच्छा, आप मिस्टर शिराजी हैं? बड़ी खुशी हुई थी आपसे मुलाकात करके। ओ, माफ कीजिएगा मेरे जी, बड़ी खुशी हुई। भाई ये हमारी सदर नहीं है मिस्टर शिराजी। हाँ। ये उनके शौहर हैं। अच्छा अच्छा। हाँ शिराजी साहब, आप अंदर तशरीफ लाइए। शिराजी साहब अंदर तशरीफ लाइए। यार अलन, अगर ये मिस्टर शरारती है। शरारती नहीं यार, शिराजी। हाँ वही है, तो फिर इनको अपनी बीवी से घर पे मिलना चाहिए। ये खुफिया तौर पे दफ्तर में मुलाकातें, क्या बात है। मियां वो घर पर रहती हूँ तो उनसे मिलूं। तो फिर कहाँ रहती हैं? क्या पता कहाँ रहती हैं? घर पर उनकी मुलाकात न मुझसे होती है न बच्चों से। बस उसके जहन पर सिर्फ एक सोशल वर्क का भूत सवार रहता है। कभी कोई यूनियन बनाती है, कभी कोई अंजुमन बनाती है। हराम है जो घर में इतना सभी दिलचस्पी लेती है। अब देखें बच्चे जो है वो आया के हाथों बन रहे। अब यहां तक हो गई है बात कि वो अब आया को ही मां समझने लगे। यार अलन देख, क्या बात हो गई है। बच्चे जो हैं वो जो भी आया गया होता है ना उसके पास पलने लगे। अरे भाई वो आया की बात कर रहे हैं, आया के हाथों पल रहे हैं। हाँ, तो उसी को अपनी मां समझने लगे। तो आप ऐसा कीजिए ना जी, को उनको समझाइए कि बच्चों ये तुम्हारी मां नहीं है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। भाई मैं तो समझा समझा के मर गया, लेकिन वो समझती नहीं है। अब अल्लाह झूठ ना बुलाए, ये उनकी कोई 45वीं यूनियन है। अच्छा। लेकिन अब उन्होंने कसम खाई है कि ये आखिरी होगी, अगर ये टूट गई तो घर में जा बैठेंगे। शिराजी साहब जी, अगर ये अंजुमन मैं तोड़वा दूं तो कैसा रहेगा? नहीं नहीं, खामखा तोड़वा देगा। नहीं नहीं, दो तो हम तनख्वाह कहां से लेंगे? भाई आपकी कितनी तनख्वाह बताइए? 500 रुपए बनते हैं। कभी देखे भी हैं आपने इकट्ठे? मैं आपको 5000 रुपए देने के लिए नहीं चाहिए। 5000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। नहीं जी नहीं, हम हलाल की रोजी खाने वाले हैं। बात सुन ले, देखिए मैं आपको तमाम दुआएं दूंगा कि आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया। नहीं नहीं,
हम ये नहीं करते, हम तो सिर्फ हलाल की रोजी खाते हैं, ये जोड़ तोड़ का पैसा नहीं खाते हम। तो बकवास मत करो। लो जी शिराजी साहब, ये अंजुमन मैं तोड़वा दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना जी? मैंने इससे पहले भी कई अंजुमने तोड़वा दी है। अच्छा। नामो निशान नहीं आज उनका, मगर एक बात है कि 10,000 रुपए लूंगा कैश। बिल्कुल मंजूर है, ठीक है? बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल मंजूर है। तो ये मेरा हाथ है, कल आप यहाँ तशरीफ लाइए और आप देखिए, अगर यहाँ अंजुमन नाम की कोई चीज हो ना तो ये है मेरा मुंह। आइए, आपकी जबान मुबारक करे खुदा। अब इंशाल्लाह परसों मुलाकात होगी, कैश कैश रेडी रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह खुदा खुदा। क्या हुआ? अबे क्या हुआ? ये जो कुछ तू कर रहा है ये सब गलत काम कर रहा है। अबे काम गलत हो काम सही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैसा आना चाहिए। यार अलन, देखो वहां से हम कितने आराम से रह रहे थे, कितने आराम से हमारी नौकरी लगी हुई थी। हाँ। ये तू देख, ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, इसको चक्कर चला के संजमन को मत तोड़वा। अबे हम 500 रुपए महीने पर कब तक यहाँ पड़े रहेंगे? पागल हो गया है? एक दिन में अगर 10,000 रुपए हमें मिल रहे हैं तो हमें काट रहे हैं वो। देखना 10,000 रुपए जब आ जाएंगे, चल हम कोई छोटी सी दुकान खोल लेंगे। मेरी बात कान इधर ले। इस रिस्क से मौत जीता। मार दूंगा छापड़ में इसका बच्चा। यार अलन मैं तुझे सही कह रहा हूँ, ईमान से तेरी नीयत खराब है, तेरा कभी भला नहीं होगा, जा तुझे टिप है। जो जहन में मेरे तरकीब आई है ना वो सुनेगा पागल हो जाएगा। कान लाई इधर। नहीं नहीं तू काट लेगा भाई। नहीं कान लाई है ईमान से। ये आपने अलन को क्या कर दिया? जी मैंने? हाँ जी, कल रात तकिया मुंह में दबाए चुपके चुपके रोता रहा, कोई 2:45 बजे के करीब मेरी आंख खुली है तो मैंने देखा कि कोई शख्स सिसकियां भर भर के रो रहा है। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आई, फिर मैंने उसकी आंख को हाथ लगा के देखा तो गीली। मैंने ऐसे देखा, पहले तो मैं ये समझा कि शायद इसकी आंख निकल गई, लेकिन बाद में पता चला कि आंख आंसुओं से भरी हुई है। तो कान लगा के मैंने उसके मुंह के साथ सुना तो कह रहा था कि गजाला मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मगर मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। क्या बात कर रही है, पिछले 10 साल से मैं उसके साथ हूं, मैंने आज तक उसकी ये हालत नहीं देखी। वो जी बस कुछ ना पूछे, कल का दिन और आज का दिन उड़ के भी एक लुकमा उसके मुंह में नहीं किया, बस सारा दिन गुमसुम असील कुकड़ की तरह बैठा रहता है। वाकई? हाँ जी। और सुनिए, कल शाम उसके हाथ में एक किताब थी इतनी मोटी, अब मैंने जो किताब पलट के देखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था खुदकुशी के सुनहरे असूल। नहीं? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और सुबह मैंने किताब खोल के देखा तो कई सत्रों के नीचे लाइनें लगी हुई हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? इसका ज़ाला आप नहीं जानती हैं, वो बड़ा हसास आदमी है। हाँ जी, उसने 2 दफा पहले भी खुदकुशी की है, वो तो किस्मत अच्छी थी कि जहां पे इसने छलांग लगाई थी वहां पानी ही नहीं था। मिस गजला ये फाइल है आपकी। नानी साहब जी, आप सर चाय मंगवाई। अच्छा अलन साहब जी, मैंने आपसे क्या कहा था? कुछ भी नहीं। तो फिर आप सोते में ये क्यों बुड़बुड़ा रहे थे? गजाला मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। कि कौन बुड़बुड़ा रहा था? मैं? जी हाँ। ये आपको किसने बताया? जी नन्हे साहब ने। नन्हे साहब को ये नहीं बताना चाहिए था, अगर बताना था तो मुझे बताना चाहिए था। Can I have a piece of paper, please? For what purpose? I want to resign. I don't want to live here. I want to leave this place. Please, please, please मुझे आप कागज दे दीजिए। वजह तो बताएं आप, हुआ क्या? बात खुली गई है मिस गजाला तो सुन लीजिए, कल आप वहां बैठी हुई थी वहां ऑफिस में, अच्छी लग रही थी, फिर आपने मेरी तरफ पलट करके देखा और नफरत से यूं करके सर झटक दिया। आखिर मैं इंसान हूं मिस गजाला, मैं कोई पत्थर तो नहीं? नहीं नहीं बाय गॉड, मैंने नफरत से तो नहीं झटका था। आप मुस्कुरा के मेरी तरफ ना देखती, आप दीवार की तरफ देख लेती। आपको गलतफहमी हुई है, वो तो मैं ग्रांट की फाइल चेक कर रही थी उस वक्त।
और महकमे वालों ने कुछ ऐसे रिमार्क्स लिख दिए थे कि बस मुझे गुस्सा आ गया। बहुत कमीने हैं ये महकमे वाले। देखिए ना, मुझे तो ये मालूम नहीं था। आप बहुत सेंटीमेंटल आदमी हैं मिस्टर एलन, बाखुदा मुझे तो पता ही नहीं था। बस मैं ऐसे ही। अब तो आप रिजाइन की बात नहीं ना करेंगे कभी? क्या है, आ गई? इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, शाबाश। आप लोग चाय पीजिए, सोशल वेलफेयर के दफ्तर से होकर आते हैं। आपके बगैर, मेरा मतलब है यानी आप नहीं पियेंगी? वो दरअसल मेरी एक अपॉइंटमेंट है, जरूरी पहुंचना है। अच्छा अच्छा, तो खुदा हाफिज अलन साहब। अच्छा, खुदा हाफिज। सलाम साहब, तशरीफ रखिए। ये आपने अलन को क्या कर दिया मिस गजाला? मिस गजाला? ये तो पहले वाली नहीं, मिस फरजाना। ये आपने अलन को क्या कर दिया? मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ जी, वो कुछ हो ही गया है जी। कल सारी रात तकिया मुंह में दबाए रोता रहा। कोई 2:45 बजे के करीब मेरी आंख खुली है तो मैंने देखा कि कोई शख्स सिसकियां भर रहा है और रो रहा है, ची पी ची पी। तो मैंने जल्दी से इसकी आंख को हाथ लगा के देखा, दाई आंख तो गीली। मैं पहले तो ये समझा कि शायद इसकी आंख निकल गई है। जल्दी से मैंने बिस्तर पे ढूंढा उसकी आंख को, लेकिन नहीं। बाद में महसूस हुआ कि ये तो रो रहा है, और मैंने जल्दी से उसके करीब कान ले जाके सुना तो बुड़बुड़ा रहा था, फरजाना मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मगर मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा। क्या बात कर रही है, पिछले 10 साल से मैं उसके साथ हूँ, मैंने आज तक उसकी ये हालत नहीं देखी। क्या वाकई, कैसी हालत? मेरा मतलब है कि कल से एक निवाला उड़ के भी उसके मुंह में नहीं गया। वो सारा दिन गुमसुम असील कुकर की तरह बैठा रहता है। वाकई? हाँ जी, कल शाम को इतनी मोटी किताब लेके तो एक जगह बैठ के पढ़ रहा था। मैंने जो किताब को उलट के देखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, खुदकुशी के सुनहरे असूल। नहीं, हाँ जी, सुबह मैंने किताब को फरल करके फरोला तो कई लाइनों के नीचे सतरें लगी हुई थी। मेरा मतलब है कि सतरों के नीचे लाइन लगी हुई थी। मैं सरजाना, आपको पता नहीं है कि ये कितना एहसास आदमी है। ये पहले भी 2 मरतबा खुदकुशी कर चुका है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि जहां इसने छलांग लगाई वहां पानी नहीं था, वरना तो इसके चीथड़े उड़ गए होते। हाँ जी, बस आप ये देख लीजिए, इस दफा उसके काम सेट हो जाएगा। नहीं, मैं सही कर रहा हूँ। वो हुआ इसलिए है जी कि शायद वो परसों आप कहीं बैठी हुई थी तो इसने आपकी तरफ देखा और नफरत से आपने सब झटक दिया, या क्या हुआ कुछ? मगर मैंने तो कभी उनसे नफरत नहीं की। मुश्किल यही है कि आपने उससे मोहब्बत भी तो नहीं की। तो मुझे क्या मालूम था कि आपको क्या पता है कि वो आपकी खातिर इस दफ्तर में मुलाजिम हुआ? 500 रुपए तनख्वाह तो उसका बाप लेता है जी, मतलब बाप का ड्राइवर लेता है। तो मुझे क्या मालूम था कि वो मेरे खातिर, आपकी खातिर उसने तो गजाला का दिल तोड़ दिया जी। गजाला का? हाँ जी, 2 दफा इनवाइट कर चुकी है फिल्म पे और 2 दफा लंच पे। खैर, गजाला से तो मैं निमक लूंगी, लेकिन प्लीज तुम अलन साहब को समझाओ कि वो कोई ऐसा खतरनाक कदम ना उठाए। हाँ, ये तो मैं समझा दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बस ठीक है, वो आ गई। वो गजाला? तुम ठहरो, मैं इससे निमटती हूं। कैसी हो फरजाना? तुम ये हिपोक्रेसी रहने दो, दोस्ती के पर्दे में जड़ काट रही थी मेरी। क्या मतलब? तुमने अलन को पिक्चर और लंच पर किस खुशी में इनवाइट किया है? मैंने कब किया है? अब बनने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी सारी हकीकत का पता चल गया है। अच्छा चलो, किया है, मगर तुम क्यों जेलस हो रही हो? मैं तो आज ही रिजाइन कर रही हूँ संजीव। तो मैं भी करती हूँ रिजाइन। अरे भाई लड़कियों, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे लड़ क्यों रही हो तुम दोनों? मैं रिजाइन कर रही हूँ। तुमसे पहले मैं रिजाइन कर रही हूँ। लेकिन वजह? मैं यहाँ काम नहीं कर सकती मिसेस शेराजी, इस गजाला की बच्ची ने सारे माहौल को खराब कर दिया है। माहौल तुमने खराब किया? तुमने खराब किया है। देखो सोच लो अच्छी तरह से, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ये मेरा आखिरी फैसला है। भाई देखो सोच लो, अगर तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो तुम्हें मालूम है इसका मतलब क्या होगा? ये अंजुमन टूट जाएगी। टूटती है तो टूटे। औरत की सिर्फ सियासी और समाजी जिंदगी नहीं होती,
उसकी एक जज्बाती जिंदगी भी होती है। ये तो मेरी आखिरी अंजुमन थी, उसे भी बदखाओं की नजर लग गई। अरे बेगम क्या बात हो गई, क्यों परेशान हो, क्यों रो रही हो? शिराजी, मेरी आखिरी अंजुमन भी टूट गई। अरे भाई खुदा ना करे, ये अंजुमन तो तुमने बड़ी मेहनत से बनाई थी, टूट कैसे सकती है? नहीं भाग गई, टूट गई। अब मैं अपने घर बैठूंगी, अपने बच्चों के पास, वहां पर अपना सुकून तलाश करूंगी। क्या कह रही हो तुम ये? हाँ मैं ठीक कह रही हूँ अशराजी, ये अंजुमन वाकई टूट गई है, और इसके साथ मेरा दिल भी टूट गया। तुम टेलीफोन करो फर्नीचर वालों को, सारा फर्नीचर उठा कर ले जाए यहाँ से। अल्लन साहब जी, अल्लन साहब जी, मुझे अफसोस है हमारी अंजुमन टूट गई है, मैं आपको सिर्फ एक माह की तनख्वाह दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच जी। नहीं जी नहीं, हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें तो 10,000 रुपए मिलेंगे। वो किस लिए? हाँ जी, वो हमें कहा गया था कि अगर ये अंजुमन तोड़वा दें तो 10,000 रुपए देंगे, और अलन तो पता है आपको इस काम का बड़ा मास्टर है, इसने पाकेट अंजुमन बना ली। क्या मतलब? ये जो शरारती साहब खड़े हुए ना जी आपके पास, इन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा अगर तुम ये अंजुमन तोड़वा दो। बस जी, अलन ने और मैंने मिल के ये फरजाना और गजाला दोनों पार्टियों में फूट डलवा दी, अंजुमन टूट गई। क्या? हाँ जी, निकल जाइए आप दोनों यहाँ से, फौरन निकल जाए। फ्रॉड हो? हाँ जी, हम फ्रॉड जरूर हैं, मगर इसमें आपकी भलाई है। देखिए जी, औरत की जिंदगी बाल बच्चों के लिए होती है, उन्हें जीते जी यतीम बनाने के लिए नहीं होती। बकवास बंद करो। अच्छा जी, अभी तो आप कह रही थी कि औरत की एक जज्बाती जिंदगी भी होती है, उसको एक घर चाहिए, प्यार करने वाला शौहर चाहिए, प्यारे प्यारे बच्चे चाहिए, ये चीजें आपको अंजुमन तो नहीं देगी। ये तो शुक्र करें कि अंजुमन क्यों नहीं है। प्लीज लीव, गेट आउट। चलिए, मैं तो सिर्फ आपको खुदा हाफिज कहने के लिए रुक गया था। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ओह यू शट अप। आते वक्त शिराजी साहब से 10,000 रुपए लेके वहीं पहुंच जाना। आया आया, चले निकाले जी 10,000 रुपए। तुम्हें हाँ जी 10,000 जूते पड़ने चाहिए। क्यों 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 क्यों? अच्छा, बीवी को देखते ही उसकी गुलामी में चले गए। क्या बकवास कर रहे हो? जोरू के गुलाम। क्या कहा? गुलाम ऑफ जोरू। फिर कहना गुलाम ऑफ जोरू। फिर कहो, क्यों मजा आ रहा है? मजा तो पूछा। बचाओ, बचाओ, आप तो बचाओ।